नमस्कार बच्चों, ये कक्षा 11 की क्लास है, विषय हिंदी। मैं रेखा सिंह विषय हिंदी लेकर के आई हूँ। पहला अध्याय साथी कबीर दास जी का पाठ है। इस साथी में पहले ही आप लोगों को आठ लोगों के बारे में बताया जा चुका है, आठ लोगों की व्याख्या समझाई जा चुकी है। अब ये नौवे दोहे की व्याख्या आज मैं बताऊंगी आप लोगों को। नवा लंबा मारा दूरी पर विकट पंथ बहुमा कहो संतों के पाइये दुर्लभ बदल दिया। विकट देखिए, विकट का अर्थ बहुत कठिन, बहुमार मार का अर्थ मारने वाले, विघ्न बाधा पहुंचाने वाले। जिसका लाभ उठाना, जिसको पाना बहुत अधिक कठिन हो। दीदार, दीदार का अर्थ दर्शन करना। अब आप यात्रा कराइए। इस यात्रा के माध्यम से कबीर दास जी ने परमात्मा की प्राप्ति में साधना पथ में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। लंबा मार्ग दूरी पर, परमात्मा का घर बहुत ही दूर है, वहां तक पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा है। पंथ अर्थात रास्ता, रास्ता भी बहुत ही विकट है, बहुत कठिनाई भरा है, बहुत उबड़ खाबड़ है। बहुमार्ग और उस कठिनाई भरे रास्ते में बहुत अधिक मारने वाले, विघ्न बाधा पहुंचाने वाले बहुत अधिक लुटेरे हैं। जैसे अब ये लुटेरे क्या है, ये विघ्न बाधा क्या है, जैसे लाभ, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, ये सब इसके मारने वाले हैं, विघ्न बाधा पहुंचाने वाले हैं, जो किसी भी भक्त जन को आगे बढ़ने में, परमात्मा के प्राप्ति के रास्ते में बहुत ही विघ्न पहुंचाते हैं। कहो संतों के उपाय दुर्लभ भरि दीदा। ऐसे में कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतों, उस ईश्वर को हम कैसे पा सकते हैं। उस ईश्वर का दीदार करना हो, हर का दीदार करना, उसका दर्शन करना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। उसके दर्शन का लाभ पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। कहने का आशय है कि साधना पथ में जो हमारे मन के विकार होते हैं, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे अनेक विकार हमारे मन के होते हैं जो हमें साधना पथ पर आगे बढ़ने से रोकते हैं, और यही विकार हमें परमात्मा की प्राप्ति में, उनके निकटता की अनुभूति में बाधा पहुंचाते हैं। इसलिए किसी भी साधक के लिए, अगर वो साधक इन विकारों से ग्रसित है, उसके मन में ये विकार हैं, तो उसके लिए ईश्वर का घर बहुत ही दूर है, क्योंकि वो ईश्वर के घर तक पहुंच ही नहीं सकता, ईश्वर को पा ही नहीं सकता है, और अगर पहुंचने की कोशिश भी करेगा तो उनके घर का रास्ता बहुत ही दूर है, लंबा मार्ग, बहुत ही लंबा मार्ग है और बड़ा कठिनाई भरा है, क्योंकि ये सारे विकार जो हैं, ये विकार हमें रोकते हैं, कब कब पर हमको बाधा पहुंचाते हैं और हमारे कर्मों को पीछे मोड़ देते हैं। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं, ये संतों, ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, उसकी निकटता कैसे पाई जा सकती है, उसका दीदार करना, तो उसका दर्शन करना तो हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। अब देखिए नंबर 10 पे आ जाइए आप लोग। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो परंतु लिख
कहलाना, मसी का अर्थ है स्याही, लेखन का अर्थ लेखनी, करंट का अर्थ हड्डी, लिख लिखी राम पठाऊ पठाऊ अर्थात भेजना, नाव मन नाम। जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से दूर है और परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने को छटपटा रही है। अपने मन की छटपटाहट, अपने मन की व्याकुलता, अधीरता वो ईश्वर तक प्रेषित करना चाह रही है। इसके लिए वह अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहती है। परमात्मा रूपी प्रियतम को पाने के लिए जीवात्मा अपना सर्वस्व समर्पण करने को तत्पर है। इसी भाव को यहाँ पर कबीरदास जी ने व्यक्त किया है। यह तन जारो मसी करो, हे प्रभु तुम्हारे विरह की अग्नि में जलते हुए हम अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बना दें। हे प्रभु इस शरीर को जलाकर हम स्याही कर दें, स्याही बना दें और अपनी हड्डियों को लेखनी बनाकर उस लेखनी से उस स्याही के माध्यम से लिखो राम का नाम। राम का नाम लिख लिख करके हे प्रभु तुम्हारा नाम लिख लिख करके शुभ गति में भेजू, तुम तक अपनी अचीता अपनी व्याकुलता तुम तक पहुंचाऊ। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो करंत की, लिखी लिखी राम पठा। हे प्रभु इस तन को जलाकर इस शरीर को जलाकर हम स्याही करते हैं और अपनी हड्डियों से लेखन बनाकर राम का नाम लिख लिख कर अर्थात हे प्रभु हे प्रियतम तुम्हारा नाम लिख लिख कर हम तुम तक भेजते रहो, जिससे हमारे मन की व्याकुलता हमारी पीड़ा तुम तक पहुंचती रहे। नंबर 11 पर आइए। कबीर दास जी ने जीवात्मा के माध्यम से अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के लिए प्रेम की तीव्रता का वर्णन किया है। कै विरहन को नीच दे कै आपादित लाही, आठ पहर का गाछड़ा मोह पे सजा मिल जाए। कै कै का अर्थ है अथवा, नीच नीच अर्थात मृत्यु, आपा अर्थात आत्मस्वरूप, गाछड़ा मतलब जलना, मोपे यानी मुझसे अथवा मृत्यु आत्मस्वरूप, गाछड़ा अर्थात जलना, मोपे अर्थात मुझसे। जीवात्मा परमात्मा रूपी प्रियतम के विरह में अत्यंत व्याकुल है और परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने के लिए छटपटा रही है। कै विरहनी को
हे प्रभु, या तो तू इस विरहिणी जीवात्मा को मृत्यु दे। हे प्रीतम, या तो तू इस विरहिणी अर्थात जो परमात्मा से दूर है, उसके बिना में डूबी हुई है जीवात्मा को यह विरहिणी कहा गया है। हे प्रभु, या फिर तू इस विरहिणी जीवात्मा को मृत्यु दे दे, तय आहा दिखलाए, अथवा तू अपना आत्मस्वरूप मुझे दिखा, अपना दर्शन मुझे दे। हे प्रभु, या तू इस विरहिणी जीवात्मा को मृत्यु दे दे, या फिर अथवा उसे अपना विराट स्वरूप, अपना आत्मस्वरूप दिखा। आठ पहर का दाछड़ा मोटे सजा न जाए, ये तेरे विरह में आठों पहर का जलना अर्थात दिन रात 24 घंटे इस विरहाग्नि में जलना मोटे सजा न जाए, मुझसे सहारे भी जा रहा है। हे प्रभु, हे परमात्मा, या तू इस विरहिणी जीवात्मा को, मुझ विरहिणी को या तो तू मृत्यु दे दे, अथवा मुझे तू अपना आत्मस्वरूप दिखा, अपना दर्शन मुझे दे। तेरे विरह की अग्नि में ये आठों पहर का जलना अर्थात रात दिन इस विरहाग्नि में जलना भोगना, ये अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। आज के लिए बच्चों बस इतना। अब अगले वीडियो में फिर से हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।